वेलकम बैक। जैसा कि आपको देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि पहाड़ों में आ गई हूँ। तो पिछली मेरी सीरीज में आप लोगों ने देखा कि मैंने हिमाचल प्रदेश को बहुत एक्सप्लोर करा, अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को दिखाई। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलिए उत्तराखंड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा जाए। तो मैं आ गई हूँ उत्तराखंड में। मैं इस बार आपको कुमाऊँ रीजन घुमाऊंगी। और मेरी जो यात्रा है मैंने शुरू करी है कैची धाम से, जहाँ पर नीम करौली बाबा का आशीर्वाद लिया। वहाँ पर बड़ा अच्छा लगा आशीर्वाद उनका लेकर। ज़्यादा वीडियो तो वहाँ नहीं बना पाई क्योंकि भीड़ थी और अंदर तो अलाव ही नहीं था कुछ भी फोटोग्राफी वगैरह, और बाहर भी इतनी भीड़ थी कि कुछ भी ज़्यादा कवर नहीं कर पाई। तो ये है कि लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए, दर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बड़ा अच्छा वहाँ पर हमें फील हुआ। बड़ा मतलब एक अलग वाइब्स वहाँ पर फील हमें मतलब फील हुई। थोड़ी देर वहाँ पर हम बैठे भी और मतलब आज सोचा नहीं था कि मैं अपनी यात्रा कैची धाम से स्टार्ट करूँगी, वो भी बाबा के दर्शन से। और आप लोगों को पता ही है कैची धाम कितना फेमस है। नीचे यहाँ पर स्लीपरी भी है, कहीं ऐसा ना होता कि मैं नीचे ही गिर जाती। थोड़ा सा चलिए आगे चल के देखते हैं एक मिनट। थोड़ा सा ये देखिए, इस टाइम मैं खड़ी हूँ भोवाली मार्ग है, भोवाली से मैं जा रही हूँ मुक्तेश्वर की तरफ। और ये देखिए ग्रीनरी, पीछे अगर आप ग्रीनरी देखेंगे कितना सुंदर नज़ारा है पीछे। देखिए यहाँ पर बहुत शांति है। जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं भीड़ ना के बराबर है। और ये देखिए चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, उधर कोयल की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। वाह, मतलब बहुत शांति है। हवा की भी मतलब जो थोड़ी सी चल रही है उसकी भी आवाज़ यहाँ पर सुनाई दे रही है, क्या बात है। और नीचे बिल्कुल हरियाली, यहाँ के जंगल, ये वाह वाह, मतलब एक अलग ही लेवल पर मुझे लेकर जा रही है। तो जैसे कि मैं अभी पहले आप लोगों को बता रही थी कि आज नीम करौली बाबा के मैंने दर्शन करे और बड़ा अच्छा लगा। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपको पता है यहाँ पर आए हैं, बाबा के दर्शन करे हैं। जैसे आपको पता ही है कि आपका एप्पल का जो ऑनर है स्टीव जॉब्स, और हमारे क्या नाम है फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग, वो भी जब बाबा के दर्शन करके गए थे उसके बाद ही फेसबुक पर मतलब फेसबुक को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए। एक अलग ही मतलब अपने आप को अनुभव करते हैं और सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर कंबल दान करते हैं। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर कंबल दान क्यों करते हैं? मैं बताती हूँ। बाबा वैसे तो हमेशा कंबल डाले रहते थे, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। एक बार बाबा जी एक बुजुर्ग दंपति थे उनके घर पर गए और उनको बोला आज रात मैं आपके घर पे विश्राम करूँगा। अब वो बुजुर्ग दंपति जिनके लिए भगवान थे बाबा, और एकदम उनको अपने सामने देखें और वो बोलें कि आपके घर में हम ठहरेंगे, तो मतलब आप सोचिए कि उस टाइम क्या फीलिंग्स होंगी। तो बाबा उनके घर पर ठहरे, उन्होंने रात को उनको चारपाई पर सुलाया, खुद नीचे सोए क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब अमीर नहीं थे। तो फिर बाबा कंबल ओढ़ा हुआ था, तो रात को बाबा कंबल ओढ़े ओढ़े खूब चीख रहे हैं और आवाज़ आ रही है थोड़ी सी छन छन की, लोहे की, वे समझ नहीं पा रहे। लेकिन वो बाबा को उठा नहीं सकते थे क्योंकि उनके लिए भगवान है और भगवान को आप मतलब उन्हें पता है कि बाबा लीलाएं करते हैं और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सुबह जब बाबा उठे, बिल्कुल सही सलामत बाबा उठे, उन्होंने कंबल को फोल्ड करा, फोल्ड करके और उनको बोला कि आप इस कंबल को किसी भी जल में जाकर प्रवाहित कर दीजिए। तो जैसे उन्होंने कंबल उठाया, कंबल बहुत भारी और उसके अंदर से लोहे की आवाज़ें आ रही, पर उन जैसा कि बाबा की आज्ञा थी कि उसको खोल कर नहीं देखना है, उन्होंने खोला नहीं और जल में जाकर प्रवाहित कर दिया। कुछ दिनों बाद उनका बेटा आया, उनका बेटा एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध की बात है ये, उस टाइम वो बांग्लादेश में लड़ाई में गया हुआ था अंग्रेजों की तरफ से,
वहां पर लड़ाई में गया हुआ था, तो वो बोला कि मेरी टुकड़ी को दुश्मनों ने घेर लिया था, चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, सब लोग मारे गए लेकिन मैं बच गया। पता नहीं क्या हुआ कि मेरे तक गोलियां पहुंच ही नहीं रही थी। तब उस बुजुर्ग दंपत्ति को समझ में आया कि पूरी रात बाबा ने वहां आकर उनके बेटी की रक्षा करी थी, तभी वो कंबल इतना भारी था, तभी उसमें से लोहे की आवाजें आ रही थी, तो तब से लोग बाग यहाँ पर कंबल का दान करते हैं। तो और भी कथाएं हैं, चलते चलते मैं रास्ते में बाबा की आपको कथाएं बताती चलूंगी, क्योंकि पता है चमत्कारों के देवता ही थे बाबा। तो चलते चलते और बातें बताती हूँ कि बाबा ने क्या क्या चमत्कार करे। फिलहाल मौसम ठंडा हो गया है, धूप जो ऊपर से ये लग रही है थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस फेस पे या कहीं गिर रही है, फिलहाल अभी तेज है, चेंज हो गया है वेदर में, पर इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और मैं अब यहाँ से जा रही हूँ मुक्तेश्वर। तो चलिए और किसी स्पॉट पे मिलेंगे जहाँ पर ये सुंदर सुंदर व्यू होंगे, तब मैं आप लोगों को और बाबा के चमत्कारों के बारे में बताऊँ। देखिए जी, हम अपने होम स्टे के पास पहुंचने वाले हैं। हमने मुक्तेश्वर में होम स्टे में करवाया है और यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड जुस्ता मुक्तेश्वर 4 किलोमीटर, इसी के पास है। यहाँ पर दो रास्ते कटते हैं, तो आपको ये वाला लेना है। चलिए फिर चलते हैं मुक्तेश्वर में, जहाँ हमने अपना होम स्टे करवाया है आज, वहाँ का रास्ता है। होम स्टे की मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि कहाँ मैं रुकी थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ रुकी हूँ आपको ये जगह दिखाने के लिए। और ये आवाज क्या बात है, ये देखिए आप, ग्रीनरी बिल्कुल चारों तरफ यहाँ पर है। और ये जो मधुर आवाज, ये आपको यहीं मिलेगी, ये और कहीं नहीं मिल सकती। है ना नेचर का कितना अच्छा म्यूजिक, क्या बात है। और रास्ता देखिए आप, मतलब अगर पास में, अभी मेरे को ये नहीं पता कि कितनी दूरी पे है अभी मेरा होम स्टे, अगर यहीं पास में ही होगा तो मैं यहाँ वॉक करने जरूर आऊंगी आराम से। मतलब यहाँ पे वॉक करो आप इन आवाजों के साथ, शांति के साथ, क्या आप अलग ही लेवल में चले जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं अपने होम स्टे की तरफ,